आता है। जी के नीचे डंडी है, ये सेवन बना देगी। आठ को एच को ऊपर नीचे मिला दो, ये आठ बना देगा। आई का नौ होगा, ऐसे कैसे बनाओगे? तो क्योंकि जब आई लिखते हैं हम स्मॉल एबीसीडी में तो इस प्रकार का दिखता है, नौ तरीके से। जे का आ जाएगा दस, वो तो ज्योति में बनी रहा है। अब के का ग्यारह बनाओ जरा, इसका कैसे बनाओगे? या जे के बाद के आता है तो दस के बाद ग्यारह आता है, आप उससे देख सकते हो। एल के बाद एल का आ जाता है बारह, एम का आ जाता है तेरह, तेरह तेरह तेरह, मैं तेरा, ठीक है। देखो कितना अच्छा ट्रिक है, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, तो मैं तेरा, एम का आ जाएगा तेरा, एम का उल्टा कर दो तो डब्ल्यू बन जाएगा, तेरह में दस को जोड़ दो तेईस आ गया, डब्ल्यू का तेईस हो जाएगा। एन का आ जाएगा चौदह, ओ माय गॉड, 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, ओ से 15। पापा की परी 16 साल से बड़ी नहीं होती, स्वीट 16, पी से स्वीट 16। क्यों का 17 हो जाएगा, कैसे? 17 खतरा, क्यों भाई क्यों नहीं? 17 साल में हमारे लिए डिलेमा हो जाती है ना, कंफ्यूजन, क्या किया जाए कि भाई कॉलेज में क्या चूज करें, किधर जाएं, ये करें या वो करें, 17 खतरा, क्यों भाई क्यों? तो 17 का क्यों आप याद रख सकते हो। फिर आर का 18 आ जाएगा, 18 र से आर आ जाएगा। एस 19, इसका बनाओ भाई, कुछ बन सकता है तो, ठीक है। टी ट्वेंटी क्रिकेट याद रख सकते हो। युवराज बनेंगे जब वो 21-22 साल के हो जाएंगे, युवराज बनेंगे जब वो 21-22 के हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप 21-22 युवराज से याद रख सकते हो, डब्ल्यू का तो बताई दिया था। क्रिसमस ट्री एक्समस होने से एक दिन पहले लेकर आते हैं, भाई जब क्रिसमस मनाया जाएगा उससे एक दिन पहले तो क्रिसमस ट्री लेकर आओगे, तो क्रिसमस बनता है 25 को, पेड़ उखाड़ के लाएंगे 24 को, क्रिसमस का ना। वाई आ जाएगा आपका 25 और जेड, ये तो लास्ट के होते हैं तो ये भी ध्यान में रखते हैं, इजोटी में वाई याद आ जाएगा, ठीक है। और जब आप एक दो बार इन सभी लेटर को देखोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से निकलते चले जाएंगे आपके सारे अक्षर, तो ये याद होने बेहद जरूरी है।